हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और काफ़ी स्ट्रेट हैं फिंगर्स सारी की सारी, और थोड़ी सी साइज़ में शॉर्ट हैं। तो थोड़ी सी पर्सनैलिटी इनकी जल्दबाज रह सकती है, जल्दबाजी में कोई काम करने की आदत रह सकती है इनकी, यानी बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे ये, और सीधी लाइनें हैं काफ़ी सारी यहाँ इनकी फिंगर्स के ऊपर, जो इनकी पर्सनैलिटी को काफ़ी फ्रेंडली नेचर बता रही हैं। काफ़ी फ्रेंडली नेचर की पर्सनैलिटी रहेगी, मिलनसार पर्सनैलिटी इनको कहा जा सकता है। और अगर लेंथ की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी जो फिंगर्स की लेंथ है उसमें लगभग दोनों इक्वल दिखाई दे रही हैं। जो बृहस्पति की फिंगर है वो भी और अपोलो की भी, लेकिन थोड़ी सी अपोलो की फिंगर यहाँ बड़ी है, तो काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। वैसे जो इनकी बृहस्पति फिंगर है यह भी काफ़ी अच्छी लेंथ में है, तो इनके अंदर काफ़ी रिलीजियस क्वालिटीज़ भी रहेंगी, रिलीजियस माइंडेड इनकी नेचर रहेगी, और साथ ही साथ अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनकी रहेंगी। अगर किसी संस्था को ये हेड करती हैं तो बहुत अच्छी लीडर भी बन सकती हैं उसमें। और अगर यहाँ मर्करी फिंगर को देखा जाए तो लगभग अपोलो के फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है मर्करी फिंगर, तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं इनके। लेकिन हल्की सी लो सेट भी हो रही है फिंगर, तो थोड़ी शाइनेस वाली क्वालिटीज़ भी इनके अंदर रह सकती हैं। तो यहाँ तक हमने देखा फिंगर्स को, तो काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, एनर्जी और स्टैमिना इनके अंदर भरपूर रहेगा। और अब चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग को, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लोजअप लेना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो लगभग कुछ ऐसी लाइन जो बनकर सामने आएगी, तो जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी फिंगर ज़्यादा लो सेट नहीं है, हल्का सा जो झुकाव है मर्करी फिंगर का है थोड़ा सा नीचे की तरफ, लेकिन यह भी माउंट मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो अब आगे चेक करते हैं माउंट्स को, इनके माउंट इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं इस चीज़ को देखेंगे। तो थोड़ा सा क्लोजअप ले रहा हूँ, तो सबसे पहले तो स्क्वायर का चिन्ह मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है बृहस्पति माउंट के ऊपर, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन रहती है लाइफ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर का चिन्ह बन रहा है, प्रोटेक्शन रहती है लाइफ में, बृहस्पति काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है इस चिन्ह की वजह से, तो काफ़ी रिलीजियस पर्सनैलिटी रहती है, और साथ ही साथ यहाँ पर लगभग हर फील्ड में इनको प्रोटेक्शन देंगे बृहस्पति जी। और साथ ही साथ इसका यह भी बेनिफिट रहता है कि जो इनकी रिलीजियस थॉट्स हैं उनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, अपनी धर्म के प्रति यह काफ़ी अटल रहेंगे और कोई भी इनको चेंज नहीं कर सकता इस मामले में। और इसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्रॉस का चिन्ह भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी अच्छा धन लाभ करवाता है। तो यह दोनों चिन्ह यहाँ पर होना इनके बृहस्पति माउंट को काफ़ी प्रोमिनेंट कर रहे हैं। तो एक अच्छी लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोग्रेस की लाइन जिसको हम कहते हैं, बृहस्पति माउंट के ऊपर पहुँचना बहुत ही शुभ माना जाता है इस लाइन का, तो लाइफ में प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रहेगी इनके। और यहाँ पर एक और लाइन आपको दिखानी चाहूँगा जिसको हम लगभग गुरु वल्लया जैसी लाइन मान लेते हैं, तो यह व्यक्ति को धर्म की तरफ मोड़ती है। तो गुरु वल्लया जैसा चिन्ह यहाँ पर बनना इनको एक तरह से पूरी तरह से धार्मिक कर सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इनका धर्म के प्रति झुकाव जो है ज़्यादा होता जाएगा, और सोसाइटी में भी इस चिन्ह होने की वजह से काफ़ी मान सम्मान व्यक्ति को मिलता है। तो गुरु माउंट काफ़ी प्रोमिनेंट हमने देखा, तो अगला माउंट सैटर्न का मैं यहाँ पर चेक करने जा रहा हूँ। तो सैटर्न का माउंट मुझे थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। अगर आप सैटर्न के माउंट को देखें तो अंदर की तरफ दबा हुआ है, और सैटर्न की लाइन तो वेवी है थोड़ी सी, लेकिन काफ़ी ऊपर तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, कुछ यहाँ से ओवरलैपिंग के साथ सैटर्न के ऊपर काफ़ी अच्छी लाइन पहुंच रही है, जिसकी वजह से धन तो बहुत आता रहेगा इनके पास, इनकम की कोई भी कमी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। तो सैटर्न माउंट को थोड़ा सा वीक मानते हुए डिलेज रहेंगे लाइफ में, और सैटर्न की वजह से कुछ परेशानियों का भी इनको सामना करना पड़ सकता है।
तो चलिए आगे देखते हैं सूर्य माउंट को। सूर्य माउंट इनके बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य माउंट भी सैटर्न की तरह थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छी सूर्य की लाइन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और जो लगभग नीचे से ही चलती हुई आ रही है। और सूर्य की अच्छी लाइन होने की वजह से समाज में प्रतिष्ठा रहेगी, मान सम्मान इनको मिलता रहेगा, यानी कि सोसाइटी में काफ़ी इनकी जान पहचान रहेगी और काफ़ी अच्छा मान सम्मान इनको मिलता रहेगा लाइफ में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लूप ऑफ सीरियसनेस मुझे काफ़ी क्लियरली यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस तरह से घुमावदार रेखाएं हैं यहाँ पर दोनों माउंट्स के बीच में, लगभग जो सैटर्न और जो हमारा माउंट है अपोलो, इनके बीच में जो दोनों लाइनें बनती हैं यह व्यक्ति को सीरियस नेचर का करती है। तो यहाँ पर कुछ हद तक इनकी नेचर जो है सीरियस होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए आगे चेक करते हैं इनका माउंट ऑफ मर्करी। तो मर्करी माउंट किस तरह से प्रभाव डाल रहा है, तो मर्करी माउंट थोड़ा सा लो सेट यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो लो सेट होने की वजह से कुछ हद तक इसकी थोड़ी सी क्वालिटीज़ कम हो जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर लाइंस भी काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो खड़ी लाइनें मर्करी माउंट के ऊपर दिखाई दे रही हैं, जो इनको हीलिंग लाइंस भी कहा जाता है, तो हीलिंग की काफ़ी अच्छी कैपेसिटी इनके अंदर रहेगी, दूसरों के दुख दूर करने की क्षमता इनके अंदर रहेगी, चाहे ये अपनी बातों से या अपने अच्छे शब्दों से ही दूसरों के दुख दूर कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ जिनके हाथ पर कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं तो समाज सेवा का भी इनको काफ़ी शौक रहता है, तो यहाँ पर भी यह काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है इनके हाथ में। यहाँ पर हार्ट की लाइन को अगर हम चेक करते हैं इनकी, तो कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन मुझे नज़र आ रही है, जिसमें से एक ब्रांच ऊपर की तरफ उठती हुई भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो मेन इनकी लाइन की जो मेन लाइन है वह पहुंच रही है बृहस्पति तक, जो इनको बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल पर्सनैलिटी में चेंज करती है। तो काफ़ी लॉयल पर्सनैलिटी रहेगी इनकी, लेकिन यहाँ पर जो कमेंसमेंट है लाइन की बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं मुड़ी हुई लाइन, तो काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहने के चांसेस हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा इनके अंदर नहीं रहने वाले। तो चलिए आगे चेक करते हैं माइंड की लाइन को। माइंड की जो लाइन है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाव लेकर चल रही है, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं माइंड की लाइन सीधी चलती हुई थोड़ी सी नीचे मून एरिया की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक थॉट प्रोसेस इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा यह सोचने वाले एक तरह से व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि झुकाव जो है चंद्रमा की तरफ है, तो चंद्रमा हमारे जो मन का कारक है वही तो थोड़ा सा अफ्लिक्ट हो जाता है इस वजह से। तो थिंकिंग यानी कि थॉट प्रोसेस इनके माइंड में बहुत ज़्यादा आते रहेंगे, चिंताएं भी काफ़ी ज़्यादा रहती हैं इस तरह की लाइन नीचे की तरफ झुकने की वजह से। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कुछ स्ट्रेस की लाइंस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो इनकी लाइफ लाइन को, माइंड की लाइन को और हार्ट की लाइन को काट रही हैं। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा स्ट्रेस की लाइन को। जो इस तरह की स्ट्रेस की लाइंस होती हैं, जैसे यहाँ से एक लाइन काटते हुए लगभग यहाँ तक पहुँची नज़र आ रही है, तो यह लगभग 28 से 30 के आसपास की एज में मुझे यह लाइन दिखाई दे रही है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इनकी लाइफ पर रहा होगा, क्योंकि जो लाइन तीनों लाइंस को काट कर जा रही है, तो उसकी वजह से मानसिक परेशानी भी रही होगी और एक तरह से हार्ट को भी, यानी दिल पर लगने वाली जो भी बात होती है, ऐसी कोई परेशानी में से ये निकले होंगे लगभग 28 से 30 के आसपास की एज में। तो कुछ इस तरह की परेशानियों की वजह से भी हार्ट की लाइन, जो माइंड की लाइन है, वो डिक्लाइन हो जाती है और थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं लाइफ की लाइन को, उस पर से चेक करते हैं क्या क्या और किस तरह की लाइफ इनकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा से ड्रॉ करना चाहूँगा, जो लाइफ की लाइन है लगभग यहाँ तक जुड़कर चल रही है, जो 23-24 के एज के आसपास दोनों लाइनें, माइंड की लाइन और लाइफ की लाइन जुड़कर चल रही हैं, जिसकी वजह से डिपेंडेंट रहता है व्यक्ति अपनी फैमिली के ऊपर। तो कुछ हद तक यहाँ डिपेंडेंसी शो हो रही है इस एज तक, और उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी ओवरलैपिंग भी शो हो रही है, जो लगभग
25 से 30 के बीच की एज में किसी प्रॉब्लम से निकलने का संकेत दे रही है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेस की लाइन भी नज़र आ रही थी, तो किसी प्रॉब्लम से निकले होंगे और काफ़ी एक्स्ट्रोवर्ट हुए होंगे यहाँ पर। एक्स्ट्रोवर्ट क्योंकि बाहर की तरफ लाइन का निकलना व्यक्ति को एक्स्ट्रोवर्ट बनाता है, तो एक्स्ट्रोवर्ट एक तरह से नेचर बनी होगी इनकी यहाँ से। और आप अगर लेंथ की बात करें तो लगभग 70-75 की एज तक काफ़ी अच्छी लाइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसके बाद थोड़ी सी वीकनेस है। तो एज जो है वो 90 के आसपास तक रह सकती है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ तक की जो लाइन है, इस एरिया तक की लाइन काफ़ी डार्क है और यहाँ से थोड़ी सी हल्की है, तो लगभग 90 के आसपास की एज को यह एंजॉय कर पाएंगे। काफ़ी लंबी एज है इनकी और यहाँ पर कुछ स्ट्रेस की लाइंस जो यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है लगभग 40 के आसपास की एज में, लेकिन यह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि जैसे जो पहले वाली लाइन थी यह बहुत लंबी लाइन जिसकी वजह से परेशानी रही होगी। आगे कुछ वरी की लाइंस हैं, लेकिन यह वरी की लाइंस इनको सिर्फ चिंताएं दे सकती हैं लेकिन रियलिटी में कुछ परेशान नहीं कर सकती। तो कुछ वरी लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो इनको बताना चाहूँगा कि आगे की एज में ऐसा कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आगे की एज इनकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और कुछ ऐसी लाइनें भी हैं जो ऊपर को उठती हुई दिखाई दे रही हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, और जो लगभग 45 के आसपास की एज के बाद तरक्की को शो कर रही हैं। तो यहाँ पर काफ़ी तरक्की के चांसेस हैं, काफ़ी एक तरह से यह कह सकता हूँ कि 45 के आसपास की एज के बाद काफ़ी प्रोग्रेस इनकी लाइफ में नज़र आ रही है। लाइफ की लाइन से बाहर की तरफ एक रेखा का निकलना विदेश यात्रा या घर से दूर की यात्रा को शो करता है, और यहाँ से लगभग कुछ लॉन्ग स्टे को भी शो कर रहा है। काफ़ी लंबी लाइन बाहर की तरफ चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन ना होने की वजह से यह परमानेंट सेटल कहीं भी नहीं हो पाएंगे, वापस अपने घर पे ही आने के यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा इनके हाथ में हमें तीन लाइन्स दिखाई दी, यह वेवी लाइन है थोड़ी स्ट्रगल से भरी हुई, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य की रेखा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्करी लाइन। तो तीन माउंट्स के ऊपर तीन लाइंस का पहुँचना, यानी कि लाइफ में बहुत प्रोग्रेस, और बिजनेस में अगर ये जाए तो उसमें भी बहुत प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि मर्करी लाइन जो है वो बिजनेस को इंडिकेट करती है। तो काफ़ी प्रोग्रेस है लाइफ में, स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि कुछ यहाँ पर लाइंस ऐसी हैं जो स्ट्रेस देने वाली नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो एक लाइन है यह भी स्ट्रेस की लाइन है, लेकिन इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं, लेकिन फिर भी लगभग यह जो लाइन है 65 के आसपास की एज में कुछ प्रॉब्लम इनको दे सकती है। उसके अलावा मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, तो पैसा तो इनके पास खूब रहेगा, पैसे की तो मुझे कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही। और जो मेन यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो है यहाँ पर यह वरी लाइंस का बनना, वरी लाइंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको चिंताएं भी काफ़ी ज़्यादा रहती होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वरी लाइंस होने की वजह से व्यक्ति को कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, चाहे वो अपने बच्चों को लेकर हो या अपनी हेल्थ को लेकर, ना किसी न किसी तरह की चिंता जो होती है मन में बनी रहती है। तो लगभग सारे के सारे चिन्ह जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे थे मैंने उनको एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी यह पॉसिबल नहीं हो पाता कि सारे चिन्ह एक ही वीडियो में हम एक्सप्लेन कर पाएँ। तो अगर आपको कोई और नया चिन्ह दिखाई देता है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह गया हो तो मुझे उस क्वेश्चन को लिख भेजें इसी ईमेल पे, ताकि मैं दोबारा से इनके हाथ को चेक करके इनके क्वेश्चन के जो रिप्लाई हैं वो टाइमली मैनर पर इन्हें दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।